आज मैं आपको कोई रेसिपी बनाना नहीं सिखा रही, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आपको अपना किचन दिखाऊं जहां पर मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस बनाती हूं। तो आइए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूं। देखिए ये हमारा लाउंज है और मेरा किचन ओपन है और किचन के साथ ही हमारा लाउंज बना हुआ है जहाँ हमारा ज़्यादातर टाइम गुजरता है। यहीं पर हम डिनर भी करते हैं, लंच भी करते हैं और हमारा सामने ही टीवी कैबिनेट भी बना हुआ है। तो आइए मैं किचन की तरफ चलती हूँ, आपको बताती हूँ हमारा किचन किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से फुल व्यू में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बना हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और कॉफी ब्राउन वुड वर्किंग हुई हुई है। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड व्हाइट और ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट ही रखी हुई मैंने चीजें। तो चलिए मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ किस तरह से मेरा किचन है। पहले आप पूरा फुल व्यू दे दूँ क्या क्या चीजें रखी हुई, किस तरह से रखी हुई सेटिंग करके मैंने। इस तरह के कैबिनेट बने हुए हैं तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से हमने इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, ज्यादातर बर्तन है जो नॉर्मली इतने यूज नहीं होते हैं रूटीन में, इस तरह से रखे हुए। ठीक है, अब हम दूसरा कैबिनेट में आपको दिखाती हूँ। इसमें भी हमारी ज़्यादातर बिस्किट्स वगैरह और ऊपर कुछ मशीनरी पड़ी है, टिश्यू रोल वगैरह पड़े हुए हैं हमारे। ठीक है, इस तरह से है ये ऊपर के। पहले मैं सारे कैबिनेट आपको दिखा दूँ फिर बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। ये दूसरा कैबिनेट है, यहाँ पर भी हमने कुछ क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है। ऊपर हमारे सूप सेट वगैरह हैं जो मैंने पैक हैं डिब्बों में होते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम यूज़ कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से है, ये देखिए। मैं दूसरा कैबिनेट आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, मिर्च मसाले हैं सारे, सॉस वगैरह हैं, इस तरह से सेटिंग करके रखी हुई है। पीछे कुछ मशीनरी भी पड़ी हुई है। ठीक है, पे दो ऊपर नीचे हमारे कैबिनेट है, ऊपर पे तो बहुत ही हाई पे है तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, मैं नीचे का आपको दिखा देती हूँ। इस पे भी मैंने कुछ ग्लासेस वगैरह रखे हुए, देखें इस तरह से सेटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, इसके बराबर में ही हमारा टर्बो लगा हुआ है। बराबर में सेम वैसे ही कैबिनेट हैं जो भी आपको मैंने दिखाए हैं, मैं नीचे वाला शो करा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने कप्स वगैरह रखे हुए हैं और एक खास चीज मैं अपनी मम्मी की यादगार मेरी मदर की जहेज का ये है, मैंने बहुत संभाल के इसको रखा हुआ है, टी सेट है, मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है एक यादगार के तौर पर। सेट कुकिंग करती हूँ मैं, इसमें आपने देखे होंगे मेरे कुकिंग वीडियोस में इस पॉट्स को देखे होंगे, स्टील के सारे पॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पर सेटिंग करके रखे हुए। इस तरह से हमारे ये अलग कैबिनेट सेट हुआ है। साथ के कैबिनेट में मैं दिखा देती हूँ आपको, साथ के कैबिनेट में हमारे सामान है, ये भी कुछ बर्तन है, कुछ क्रॉकरी और कुछ मशीनरी है जो डब्बों में ही पैक है, जब जरूरत होती है हम निकाल लेते हैं। इस तरह से है, सामने आपको विंडो नजर आ रही होगी और नीचे सिंक है, जहाँ से मैंने ऊपर हमने बेत
प्लांट डाला हुआ है शेड के तौर पर, ठीक है। यहाँ मनी प्लांट रखी हुई है मैंने, क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो किचन में मैंने इसको रखा हुआ है। फ्रेशनेस आती है इससे, बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन ट्री बहुत पसंद है मुझे, और मेरे घर पे बहुत पौधे हैं माशाल्लाह से, इस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर हमारी प्लेटों का रैक रखा हुआ है, स्पून वगैरह रखे हुए हैं, ये भी कुछ स्पून हैं नॉन स्टिक पैन वगैरह के लिए। यहाँ पर मैंने ऑयल वगैरह रखा हुआ है अपना, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर वगैरह इस तरह से रखी हुई है। और ये है हमारा होप जो मैंने न्यू अभी लिया है, कुछ दिन ही हुए हैं मुझे लिए हुए, बहुत जबरदस्त सा है। ये देखिए, आपने मुझे देखा होगा वीडियो में इस पे कुकिंग करते हुए। इसके साथ ही मैंने चाय की पत्ती, चीनी वगैरह रखी हुई है। ये हमारा बड़ा जबरदस्त सा एक रोटेट होता है, इसमें मसालों का, मसाले वगैरह मैं रखती हूँ सारे मसाले, गर्म मसाले वगैरह होते हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और साथ ही हमारा एक छोटा सा मिनी सा ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन, जिस पे मैं कुकिंग करती थी पहले, बेकिंग करती सॉरी। ये मैंने बहुत पुराना है मेरा, बहुत छोटा सा क्यूट सा, इस पे मैंने बहुत बेकिंग की है। जब मैं स्टार्टिंग मैंने बेकिंग की थी तो मैं इसी से स्टार्ट किया था इसी, और अब मैंने न्यू अपना ओवन लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे कप्स वगैरह हैंग हुए हैं कुछ, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, और ये एक बकेट पड़ी हुई है। यहाँ पर हमारा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा कटर पड़ा हुआ है, और लेमन जूस निकालने का होता है वो रखा हुआ है। मैंने कटाकट बनाती हूँ मैं उसके लिए, मैंने उसकी चीज़ें रखी हैं इस तरह की। देखिए ग्रेटर रखा हुआ है हमने, इस तरह से ये रखा हुआ है, ठीक है। डिशेज वगैरह सेट करके रखी है मैंने, रोल है, स्पैचुला रखे हुए हैं, जूसर ब्लेंडर रखा हुआ है, इस तरह से मैंने सेटिंग की है। ये हमारा माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, और इसके नीचे मैंने इलेक्ट्रिक प्लस गैस ओवन रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त ओवन है, इसमें प्रोफेशनल बेकिंग होती है, आप इस पर कुक बेकिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं। रोटरसरी भी इसमें लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी इसकी लुक। बेकिंग का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने अभी ये नया ही लगवाया है। तो इस तरह से मेरा किचन है। देखिए हमारा ये ओवन है, इसके साथ ही मैंने नीचे का एक ड्रॉस दिया हुआ है जिसमें मेरा सारा बेकिंग का सामान है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमारे सारे बेकिंग के मोल्ड वगैरह रखे हुए हैं। ये कपकेक का मोल्ड है, मुख्तलिफ डिज़ाइन के हार्ट शेप में है, और ये ब्राउनी का है हमारा मोल्ड, ये मैंने रखा हुआ है। नीचे कलर्स वगैरह रखे हुए हैं, और मेजरिंग कप भी रखे हुए हैं इस तरह से, और हमारे कुल्फी वगैरह के जो मोल्ड होते हैं वो साइड में मैंने डाले हुए हैं। ऑयल पेपर है हमारा, और प्लास्टिक रैप, इस टाइप की चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं, ठीक है। ये सब हमारा ज़्यादातर बेकिंग का इसमें सामान मैंने एक जगह सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे के जो हमारी कैबिनेट हैं, ज़्यादातर इसमें मैंने ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। नीचे ये सामने वाले कैबिनेट्स हैं, इसमें हमने अपनी दालें वगैरह रखी हुई हैं, सामने आटे के बैग्स रखे हुए हैं, और सारे नीचे के ज़्यादातर सामान जो है हमारा इसके यहाँ इस साइड पे हमने ऑयल के ऑयल घी वगैरह, और आटे के ड्रम्स और चावल के ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं। इस तरह से मैंने अपनी सारी सेटिंग की हुई है, ठीक है। मेरा किचन है, नीचे यहाँ पर हमारा जो सिंक लगा हुआ है, इसके नीचे हमारा एक कैबिनेट है, यहाँ पर हम अपने डस्टबिन वगैरह और वॉशिंग पाउडर वगैरह जो भी यूज़ होता है वो चीज़ें रखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है।
हमारे नीचे के कैबिनेट हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इनको रखा हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाइयाँ वगैरह, नॉन स्टिक पैन वगैरह रखे हुए हैं, और नीचे भी हमारी कुछ कढ़ाइयाँ फ्राइंग पैन वगैरह रखे हुए। क्यूट सी मेरी स्टील की कढ़ाई है, वो भी रखी हुई है, मैं सर्विंग करती हूँ मेरे, इस तरह से है। ये देखिए, इस तरह से मैंने रखा हुआ इसके अंदर कढ़ाइयाँ वगैरह अंदर, ठीक है। साथ के ही कैबिनेट में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने अपने पतीले वगैरह हैं हमारे बड़े, जो बड़े साइज के होते हैं, पुराने भी कुछ रखे हुए हैं और कुछ नए भी हैं बड़े साइज के, जैसे बिरयानी वगैरह बनाना हो या कोई दावतें होती है तो उसमें हमें बड़े पतीलों की जरूरत पड़ती है, इस तरह से मैंने इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमारा ओपन किचन है, बिल्कुल सामने ही हमारा लाउंज है और टीवी कैबिनेट लगा हुआ है, LED हमने इस पे लगाई हुई है, ये हमारा लाउंज है। ठीक है, अब आप बताएं मुझे आपको मेरा ये किचन कैसा लगा, कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।